Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I am going to share this one of the most beautiful and requested dress designing which is very trending nowadays as well as. So guys, humne is dress ko bahut hi easy way mein design kiya hai, so please keep watching this video till the end. सो बेसिकली गाइज, हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग अपने एक कज़न के रिसेप्शन के लिए की थी एंड रिसेप्शन पर हमने इस ड्रेस को वियर किया था. काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी. सो गाइज, ये ड्रेस देखने में जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसको डिज़ाइन करना उतना ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल है. अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है देन यू कैन डिज़ाइन दिस ड्रेस वेरी ईजीली एट योर होम. सो गाइज, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी ही बताया है, हमारी ये ड्रेस एक मॉडल से इंस्पायर्ड होकर है, रिक्वेस्टेड वीडियो है. सो गाइज, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे ये वीडियो सेंड की थी इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए. आप साइड में देख सकते हैं, मॉडल ने इस ड्रेस को एक सिंपल फ्रिल दुपट्टे के साथ वेयर किया था. बट गाइज, हमने इस ड्रेस को और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए हमने इस दुपट्टे की भी डिज़ाइनिंग की है. एंड गाइज, इस ड्रेस को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमने इसके साथ ऑर्गेन्जा का पिच कलर में कंट्रास्ट दुपट्टा डिज़ाइन किया है. दुपट्टे की भी डिज़ाइनिंग वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगी. सो गाइज, इस ड्रेस को डिज़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल है. आप बहुत ही ईजीली इस ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हो. नाउ डूइंग विदाउट फर्दर, लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग. सो फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस डिज़ाइनिंग गाइज, फर्स्टली वी विल सी द फैब्रिक डिटेल. फैब्रिक के लिए ही आई एम यूजिंग 2.5 मीटर ड साटिन फैब्रिक. सो गाइज, यहाँ पर हम 2.5 मीटर ड साटिन फैब्रिक यूज़ करेंगे विच इज़ वेरी गुड इन क्वालिटी. हैवी वेट फैब्रिक है एंड गाइज, इस फैब्रिक की विद काफ़ी ज़्यादा है. बेसिकली ये बहुत ही स्मूथ फैब्रिक है एंड गाइज, इसकी विद अबाउट 65 इंचज है. साथ में ही गाइज, हमने इसका एम्ब्रॉयडरी मटेरियल देख लेंगे. सो गाइज, इसी मटेरियल का यूज़ करते हुए हमने सिंपल सी फैब्रिक से एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस डिज़ाइन करनी है. मटेरियल की डिटेल आपको वीडियो में आगे जाकर मिल जाएगी. सो सबसे पहले हमने 1 मीटर फैब्रिक को यहाँ 2 फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस इज़ द 2 फोल्डेड फैब्रिक हीयर. सो गाइज, यहाँ हमने 1 मीटर फैब्रिक को विद वाइज 2 फोल्ड करा है. बेसिकली इस फैब्रिक की विद अबाउट 65 इंचज है एंड 1 मीटर फैब्रिक का यूज़ करते हुए ही हमने इस कुर्ती की कटिंग करनी है. सो सबसे पहले नीचे की तरफ से 65 इंचेस पर लेंथ मार्क करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है एंड बचे हुए ऊपर के फैब्रिक से हम स्लीव की कटिंग करेंगे. उसके बाद हमने एक स्टिच कुर्ती का यूज़ करते हुए कुर्ती की सिंपली रफली मेजरमेंट मार्क कर लेनी है. सो गाइस, जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कुर्ती की मेजरमेंट मार्क कर लेंगे. सो मेजरमेंट के लिए जो हम कुर्ती यूज़ कर रहे हैं, इसकी डिज़ाइनिंग वीडियो भी हमने ऑलरेडी ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी है. आप जाकर हमारी वीडियोस में चेक कर लीजिएगा. सो गाइज, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कुर्ती की मेजरमेंट मार्क कर लेना. उसके बाद गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ हमने कुर्ती को जस्ट मिड से आयरन करते हुए क्रीज बना ली है. सो सबसे पहले हमने यहाँ पर 13 इंचज़ के शोल्डर ले लिए हैं, इसका जस्ट मिड पॉइंट मार्क करेंगे. नीचे की तरफ से हमने 6 इंचज़ का नेक डिप मार्क कर लेना है. देन गाइज, नेक विथ के लिए हमने 3 इंचज़ का मार्क करते हुए यहाँ पर 2 डॉट्स मार्क कर लेने हैं. अब गाइज, हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हुए बॉट नेक की शेप में नेक की राउंड शेप मार्क कर लेनी है. सेकेंड साइड में हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए टैप टैप करते हुए हमने ट्रेस कर लेना है. जो हमारी नेक की मार्किंग की है वो हमारी सेकेंड साइड में भी ट्रेस हो जाएगी. अब गाइज, हमने इस मार्किंग को डार्क कर लेना है. सो यहाँ हमने दोनों ही साइड से इक्वली मार्क करते हुए नेक की राउंड शेप मार्क कर ली है. इसके बाद हमने इंच टेप की हेल्प से नीचे की तरफ से 8 इंचज़ पर एक मार्क लगा लेना है. देन गाइज, यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड वैसे ही सेम हमने दूसरी साइड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है. दोनों ही लाइन्स के बीच में हमने अबाउट 1/2 इंचज़ का गैप छोड़ देना है फॉर एम्ब्रॉयडरी. सो गाइज, यहाँ हमारे नेक पैटर्न ड्रॉ हो गया है. इसके बाद हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे. फॉर एम्ब्रॉयडरी ही आई एम यूजिंग दिस एम्ब्रॉयडरी फ्रेम एंड गाइज, इस फ्रेम पर हमने फैब्रिक को टाइट करने के लिए हम इलास्टिक का यूज़ करेंगे. यू कैन सी इलास्टिक का यूज़ करते हुए हमने फैब्रिक को फ्रेम पर टाइट कर लेना है. नाउ लेट्स सी द मटेरियल ऑफ एम्ब्रॉयडरी. सो फर्स्टली गाइज, ही आई एम यूजिंग दिस फ्लावर सिक्वेंस इन द शेड ऑफ मल्टी. सो गाइज, मल्टी शेड में हमने यहाँ पर फ्लावर सिक्वेंस ले लिए हैं. सेकेंडली हम कट बीड्स यूज़ करेंगे इन द शेड ऑफ सिल्वर. सो गाइज, इसी के साथ में हमने ये क्रिस्टल बीड्स यूज़ करने हैं. देन गाइज, स्मॉल साइज में यहाँ पर हम पर्ल यूज़ करेंगे.
Now let's see the magic by using this hand needle. I will do this beautiful neck embroidery. So first of all guys, यहाँ हमने needle को fabric में ऊपर की तरफ से निकाल लिया है. अब हमने flower sequin को thread में insert कर लेना है. And guys second हमने यहाँ पर एक crystal pearl ले लेना है. So guys आप देख सकते हैं ये हमारा crystal pearl है. हमने इस crystal pearl को sequin के ऊपर की तरफ लगा लेना है. अब guys हमने sequin hole में again नीचे की तरफ से नीडल पास करते हुए थ्रेड को नीचे की तरफ से हम पुल कर लेंगे. सो गाइस यहाँ हमारा वन फ्लावर रेडी हो गया है. अब इसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर एक और फ्लावर बना लेना है. सो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ हमारे दो फ्लावर बन गए हैं. इसके बाद गाइस हमने कट बीड्स का यूज़ करते हुए फ्लावर्स के साइड्स में लीफ बना लेनी है. सो गाइस लीव्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने 5 कट बीड्स नीडल में इंसर्ट कर लेने हैं. एंड गाइस सेकेंडली यहाँ पर हमने एक स्मॉल साइज का पर्ल ऊपर की तरफ से भी अटैच कर लेना है. अब गाइज हमने फैब्रिक में नीचे की तरफ से नीडल को पुल कर लेना है. सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमारा फ्लावर के साइड में वन लीफ बन गई है. वैसे ही हमने 3 लीव्स क्रिएट कर लेनी है. सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो जिस तरीके से हमने वन लीफ को 5 कटबिट्स एंड एक पर्ल के साथ कंप्लीट किया है, वैसे यहाँ हमने 3 लीव्स बना ली हैं. सो गाइज अगेन हमने सिक्वेन फ्लावर एंड क्रिस्टल का यूज़ करते हुए एक और फ्लावर एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है. वैसे ही अगेन हमने सेकेंड फ्लावर कंप्लीट कर लेना है. सो गाइज अब हमने वन फ्लावर का गैप छोड़ते हुए हमने लीव की एम्ब्रॉयडरी करनी है. सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं सभी लीव्स में हमने 5 कटबीट्स एंड एक पर्ल का यूज़ करते हुए इसकी एम्ब्रॉयडरी करनी है. सो बेसिकली गाइज दिस इज़ वेरी इजी टू डू. यू ओनली जस्ट नीड टू गिव योर सम टाइम. बेसिकली ये करने में बहुत ईजी है, आपको बस अपना टाइम देना होगा. सो गाइज इस पूरे ही सूट को कम्प्लीट करने में मुझे अबाउट 7 to 8 डेज लग गए थे कम्प्लीटली, जिसमें मैंने काफ़ी मेहनत की थी. सो गाइज इस सूट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई थी. एंड गाइज मेहनत के साथ साथ आप इसको बोल सकते हो इस सूट को नज़र लग गई थी. सो हियर गाइज आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड सो दैट यू कुडंट मिस दैट इंपॉर्टेंट थिंग. सो गाइज यहाँ हमें आपको वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे. सो गाइज वो बहुत ही ज़रूरी बात है. सो प्लीज़ आप वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट पूरी देखिएगा, जिससे कि आप कभी भी एम्ब्रॉयडरी करें तो आपको आपके साथ वो मिस्टेक नहीं हो. सो गाइज यहाँ हमारी नेक की ऑलमोस्ट एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है. अब हमने दोनों ही शोल्डर्स पर पर्ल्स एंड क्रिस्टल की डॉट्स एम्ब्रॉयडरी करनी है. सो उसके लिए गाइज यहाँ पर हम एक पर्ल एंड एक क्रिस्टल अटैच कर देंगे. सो गाइज इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए हमने ये क्रिस्टल एंड पर्ल की एम्ब्रॉयडरी करनी है, विच वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. सो गाइज इस तरीके से हमने दोनों ही शोल्डर्स पर इसकी एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है. यहाँ आप देख सकते हो हमने दोनों ही शोल्डर्स को कम्प्लीट कर दिया है. सो गाइज यहाँ हमारी नेक एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है. लेट्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप. सो गाइज यहाँ हमने नेक की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करने के साथ साथ इस कुर्ती की कटिंग भी कर दी है. जो भी हमारी मेजरमेंट थी उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ हमने कुर्ती को सिंपली कट कर दिया. एंड साथ में ही आप देख सकते हो हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स को कट कर लिया है. सो गाइज उसी के साथ हमने यहाँ पर लाइनिंग भी यूज़ की है. सो गाइज लाइनिंग के लिए हमने अबाउट 1 मीटर फैब्रिक को 2 पार्ट्स में कट कर लिया है. And for lining here I'm using shantoon fabric. You can use another fabric also, it just depend on your choice. So guys यहाँ पर lining के लिए हमने shantoon fabric लिया है, आप कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो. सो बैक के दोनों ही पार्ट्स को, मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक के पार्ट्स को एक साइड कर लेना है. सो फर्स्टली हमने फ्रंट पार्ट रेडी करना है. फ्रंट पार्ट की राइट साइड पर हमने ऊपर की तरफ से लाइनिंग रख लिया है. अब इनको हम दूसरी साइड में टर्न कर लेंगे. सो गाइज इस तरीके से हमने दूसरी साइड में टर्न कर लेना है. सो गाइज अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल नेक की डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए हमने फ्रंट के दोनों ही पार्ट्स को, लाइनिंग पार्ट एंड मेन पार्ट दोनों की राइट साइड को मैच करते हुए हमने नेक को सेट कर लिया आलपिन की हेल्प से. उसके बाद गाइज ये मिल्टन वाली मार्किंग पर आपने 1 स्टिचिंग लगा देनी है. सो गाइज यहाँ हमने हैंड नीडल की हेल्प से इस पर 1 टाइम स्टिचिंग लगा दिया, बिकॉज इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई है, जिसकी वजह से मशीन बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी. सो गाइज उसके बाद हमने अबाउट 1/2 इंचज़ का मार्जिन छोड़ते हुए नेक का राउंड कट कर लेना है. छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं जिससे कि नेक की शेप अच्छी आ जाए. इसके बाद हम इसको टर्न कर लेंगे. सो गाइज टर्न करने के बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है वो ऊपर आ जाएगा, लाइनिंग फैब्रिक हमारा नीचे रह जाएगा. सो गाइज अब हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है. सेट करने के बाद हमने इसमें आलपिन लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं.
सो गाइज, इसके बाद हमने नेक पर एक और स्टिचिंग लगानी है। सो जिस तरीके से हम यूजुअली नेक बनाते हैं विदाउट यूजिंग एनी फ्यूजिंग पेपर एंड आयरन पेपर, यहाँ हमने लाइनिंग फैब्रिक का यूज़ करते हुए नेक को टर्न कर दिया है। एंड गाइज, इस तरीके से हमने ऊपर की तरफ से इस पर एक और स्टिचिंग लगा देनी है। सो बिकॉज इस पर ऑलरेडी हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जिसकी वजह से इस पर मशीन चलना पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए हमने हैंड से ही इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइज, यहाँ हमने नेक को ऊपर की तरफ से हैंड स्टिच कर दिया है एंड यू कैन सी हमारे यहाँ पर नेक कंप्लीट हो गया है। सो गाइज, इसके बाद हमने लाइनिंग फैब्रिक को कट कर लेना है। सो बेसिकली गाइज, हमने लाइनिंग फैब्रिक को कट नहीं किया था, पहले हमने नेक की डिज़ाइनिंग की थी। सो नेक को स्टिच करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक लाइनिंग फैब्रिक का दिख रहा है, इसको हम कट कर देंगे। सो गाइज, यहाँ हमने लाइनिंग फैब्रिक को कट कर दिया है। नीचे की तरफ से हमने लाइनिंग फैब्रिक को अबाउट 1 इंच का शॉर्ट किया है। उसके बाद गाइज, साथ में ही हमने यहाँ बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। बैक पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है नेक से। सो गाइज, बैक पार्ट की नेक डीप यहाँ पर हमने 4.5 इंचेस रखी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नेक की कितनी भी लेंथ रख सकते हो। सो गाइज, अब हमने दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए इसको साथ में स्टिच कर लेना है। सो फर्स्टली गाइज, हमने शोल्डर्स को एक साथ स्टिच कर लेना है, देन उसके अकॉर्डिंगली हमने दोनों ही साइड से इस सूट को स्टिच कर लेना है। बेसिकली ये एक पाकिस्तानी सूट है। अगर गाइज अच्छा होगा अगर आप इसको लूज ही रखें, बट मेरा ये थोड़ा सा टाइट हो गया था। एंड गाइज, साथ में ही हमने ऑल 4 साइड से ये स्लीट्स को फोल्ड कर लेना है। सो लाइनिंग फैब्रिक को भी हमने साथ में ही स्लीट्स के फोल्ड कर लेना है, अलग अलग फोल्ड नहीं करना। सो गाइज, यहाँ आप देख सकते हो हमने इस कुर्ती को शोल्डर्स एंड साइड से स्टिच कर दिया है। एंड साथ में ही गाइज, यहाँ हमने नीचे स्लीट्स को भी फोल्ड कर दिया है, आप देख सकते हो। सो गाइज, ये हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। नाउ आई एम टर्निंग इट इंटू राइट साइड। सो गाइज, हमने इसको राइट साइड में टर्न कर लेना है। सो गाइज, इसके बाद हमने स्लिट्स की डिज़ाइनिंग करनी है। स्लिट्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए गाइज, यहाँ हमने स्लिट्स पर ऑलरेडी ही मार्किंग कर ली है। सो यहाँ हमने स्लिट्स पर 3 लाइंस मार्क की हैं। एक लाइन हमारी जिस पर क्रॉस लगा हुआ है वो रॉन्ग है। सो बेसिकली यहाँ हमने 2 लाइंस 3-3 इंचज़ के मार्जिन पर मार्क की हैं और ऊपर वाली लाइन को हमने 2 इंचज़ के गैप से मार्क किया है। सो गाइज, इसके बाद हमने कट बीट्स का यूज़ करते हुए स्लिट्स को डिज़ाइन करना है। नाउ गाइज, लेट्स सी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर दिस ड्रेस डिज़ाइनिंग विच इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल एज। सो गाइज, अब हमने स्लिट्स की डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमने सिल्वर कलर की कट बीट्स ले लिए हैं। एंड गाइज, यहाँ पर हमने इनका 0 से 1 नंबर ज़्यादा साइज लिया है। सेकेंडली गाइज, यहाँ पर हमने क्रिस्टल्स ले लिए हैं विच इज़ इन मीडियम साइज। एंड गाइज, थर्ड मटेरियल के लिए यहाँ पर हमने सर्कल बीट्स ले लिए हैं, आप देख सकते हो, विच इज़ ऑल्सो इन नॉर्मल साइज। सो गाइज, इसी के साथ हमने थ्रेड एंड नीडल का यूज़ करते हुए इसके बॉटम में टेजल या लटकन की डिज़ाइनिंग करनी है। सो अब हमने यहाँ पर थ्रेड को बॉटम में इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद गाइज, हमने इस तरीके से नीडल में कट बीट्स को फिल कर लेना है एंड थ्रेड में इंसर्ट कर लेना है। सो गाइज, ये प्रोसेस हमने तब तक करना है जब तक कि हमारे टेजल की लेंथ अबाउट 3 इंचज ना हो जाए। सो गाइज, यहाँ हमने थ्रेड में इस तरीके से कट बीट्स को अगेन एंड ओवर अगेन फिल कर लेना है। सो गाइज, यहाँ हमने 3 इंचज की लेंथ पर इस टेजल की डिज़ाइनिंग करनी है। अब हमने एक क्रिस्टल बीट्स ले लिया है एंड साथ में ही गाइज, नीचे की तरफ से हमने एक सर्कल बीट्स ले लिया है। सो गाइज, यहाँ हमने लास्ट में एक सर्कल बीट्स इंसर्ट कर दिया है। अब गाइज, इस बीट्स को छोड़ते हुए हमने डायरेक्टली क्रिस्टल में थ्रेड को रिवर्स करना है। सो गाइज, इस तरीके से हमने क्रिस्टल से रिवर्स करते हुए जितने भी कट बीट्स फिल किए हैं, सभी से हमने थ्रेड को रिवर्स करते हुए इस टेजल को कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज, इसको टेजल या लटकन जो भी आप बोलना चाहें उस तरीके से बोल सकते हो। सो गाइज, जब आपको थ्रेड को रिवर्स करना है, यहाँ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। आपको जब थ्रेड रिवर्स करना है, आपको इसको ज़्यादा टाइटली नहीं करना है, हल्का सा लूज रखना है, जिससे कि इसमें अच्छा लुक आए। सो गाइज, अब हमारा यहाँ पर 1 टेजल रेडी हो गया है। इसके बाद गाइज, हमने हल्का सा गैप देते हुए 2nd टेजल के लिए थ्रेड बाहर निकाल लेना है। एंड गाइज, अगेन इसी तरीके से हमने नीडल में कट बीट्स को फिल कर लेना है। सो 1 बाय 1 यहाँ पर हमने, जैसे कि फर्स्ट टेजल में हमने कट बीट्स फिल किए थे, वैसे ही हमने इसमें भी करना है। साथ में ही हमने यहाँ क्रिस्टल एंड एक सर्कल बीट्स ले लिया है। एंड अगेन गाइज, सर्कल बीट्स को छोड़ते हुए हमने क्रिस्टल से अब थ्रेड को अगेन से रिवर्स करना है।
So here guys, I want to tell you the one thing. When you just select the material, curbs and tassels, you just need to focus one thing. आपको आप जब भी material का selection करेंगे, आपको एक चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है. तो guys, आपने जो भी needle buy करनी है, उसमें पहले सारे materials को डाल के देख लेना है कि आपके needle में easily ये curbs and tassels आ रहे हैं. Otherwise, आपको ये करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी. Because जब हम thread में एक बार tassel कंप्लीट करके थ्रेड को रिवर्स करते हैं, तो उसका साइज़ और छोटा हो जाता है, जिससे कि बहुत ही मुश्किल से ये रिवर्स हो पाता है. सो गाइज, आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बता दिया. सो बेसिकली गाइज, दिस वाज माय वन ऑफ द हार्डेस्ट सूट विच हैज़ टेकन माय सो मेनी ऑफ टाइम. सो बेसिकली गाइज, मेरे सारे ही सूट्स में ये अब तक का ऐसा सूट है जिसकी डिज़ाइनिंग में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था. सो गाइज, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने में मुझे पूरे टोटली 10 डेज़ का टाइम लग गया था. बेसिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा हैंडवर्क था. इसकी बॉटम, नेक, दुपट्टा सभी पर हमने टोटली हैंडवर्क किया था. सो गाइज, यहाँ पर हमने साथ में ही सेकेंड टेजल की लाइन भी कंप्लीट कर ली है. यहाँ पर सेकेंड लाइन में हमने टेजल की लेंथ 4 इंचेस रखी है. उसके बाद हमने जितनी भी सारी लाइंस क्रिएट की थी, फोर लाइंस में हमने टेजल की लेंथ 4 इंचेस ही रखी थी. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कितनी भी लेंथ रख सकते हो. सो गाइज, अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है. यहाँ हमने स्लीव के फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस इज़ अ 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर. सो गाइज, हमने यहाँ पर स्लीव की लेंथ 15.5 इंचेस ली है. एंड 4 फोल्ड होने के बाद यहाँ पर स्लीव का फैब्रिक 9 इंचेस है. तो गाइज, यहाँ पर हमने आर्म होल के लिए 9 इंचेस पर मार्क कर दिया है. 2.5 इंचेस का आर्म होल डीप देते हुए हमने आर्म होल की शेप मार्क कर लेनी है. सो गाइज, इस तरीके से यू कैन सी यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप मार्क कर लेंगे. सो गाइज, अब हमने रिस्ट के लिए मार्किंग करनी है. रिस्ट के लिए हमने 6.5 इंचेस की मार्किंग करते हुए स्लीव के मार्किंग को कम्प्लीट कर लेना है. इसके बाद गाइज, हमने इसकी स्लीव की एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है. सो गाइज, यहाँ कटिंग करने के बाद हमें स्लीव के 2 पार्ट्स मिल जाएंगे. हमने फर्स्टली आपको 1 स्लीव की डिज़ाइन दिखानी है. सो गाइज, नीचे की तरफ हमने एक स्ट्रिप अटैच करनी है. ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक की हमारी स्ट्रिप है, जिसकी भी 3 इंचेस है. जो हमारा दुपट्टे का फैब्रिक है, उसी दुपट्टे से यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप कट कर ली थी. अब गाइज, हमने इस स्ट्रिप के नीचे एक और स्ट्रिप अटैच कर लेनी है. तो गाइज, आप देख सकते हो नीचे की तरफ स्ट्रिप की भी 4 इंचेस है. अब गाइज, हमने दोनों ही स्ट्रिप्स को 1 बाय 1 स्टिच कर लेना है. एंड नीचे वाली स्ट्रिप्स को हमने हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है. सो गाइज, यहाँ आप देख सकते हो हमने पीच कलर में जो स्ट्रिप थी उसको बीच में स्टिच कर दिया है. एंड गाइज, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है. पीछे की तरफ से आप देख सकते हो इसकी स्टिचिंग वाली साइड बहुत ही आराम से दिखेगी. सो इसके लिए हमने क्या करना है, दोनों ही तरफ से पीच वाली स्ट्रिप्स को अंदर की तरफ दबाते हुए हमने इस पर ऊपर की तरफ से एक और प्रेस स्टिच लगा देनी है, जिसकी वजह से ये अच्छे से सेट हो जाए. इसका ट्रांसपेरेंट जो लुक है वो ऐसे ही बना रहे. अब गाइज, हमने स्लिप को क्लोज कर लेना है एंड साइड से अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको स्टिच कर लेना है. सो फाइनली गाइज, यहाँ पर हमने स्लीव को साइड से भी स्टिच कर दिया. इसको राइट साइड में टर्न करेंगे. सो ये हमारी 1 स्लीव रेडी हो गई है. वैसे ही हमने 2nd स्लीव को भी रेडी कर लिया है. अब गाइज, हमने दोनों ही स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है. सो गाइज, हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो गई है. हमने दोनों स्लीव को उसके साथ अटैच करने हैं. एंड गाइज, यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखें, हमने जो ये स्लीव्स में नीचे पीच कलर की स्ट्रिप अटैच की है, इस पीच कलर की स्ट्रिप पर भी हमने एक एक लाइन जो हमने नेक एम्ब्रॉयडरी की है, फ्लावर सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी, वो लाइन हमने इस पीच वाली स्ट्रिप्स के दोनों साइड्स कर लेनी है. सो दोनों स्लीव्स को स्टिच करने के बाद हमने ड्रेस कंप्लीट कर दी थी. उसके बाद हमने इस ड्रेस को वॉश किया. एंड वॉश करने के लिए हियर आई एम यूजिंग दिस टूथब्रश. व्हाई आई एम यूजिंग दिस टूथब्रश, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, द रीज़न इज़ दैट गाइज, हमने जो बॉटम में टेजल की डिज़ाइनिंग की थी, उसके लिए हमने पेंसिल का यूज़ करते हुए मार्किंग की थी. सो गाइज, नेवर यूज़ पेंसिल. आपको मार्किंग करने के लिए ओनली मिल्टन का यूज़ करना है, बिकॉज पेंसिल की मार्किंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है वॉश करनी. एंड गाइज, देयर इज़ वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू. द थिंग इज़ दैट मैंने आपको बोला था मेरे सूट को नज़र लग गई थी. सो बेसिकली गाइज, क्या हुआ था, हमने इस ड्रेस को डिज़ाइन करने में इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, बट गाइज आई वॉज रॉन्ग इन चूजिंग मटीरियल. मैं काफ़ी गलत थी जब मैंने मटेरियल चूज़ किया. सो गाइज, यहाँ पर हमने लोकल मटेरियल यूज़ किया था जो मुझे नहीं पता था. सो गाइज़,
ये मटेरियल जो हमने यहाँ कट बीट्स यूज़ किए थे वो वॉश करने के बाद सारे ब्लैक पड़ गए थे, इसकी शाइनिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। सो गाइस कभी भी आपको अगर किसी भी ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी करनी है, आपको अगर इस तरीके के कट बीट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़े से कट बीट्स लाकर एम्ब्रॉयडरी करने से पहले उन्हें 30 मिनट के लिए वाटर एंड डिटर्जेंट में रख दें एंड गाइस उसके बाद पानी से वॉश कर लें एंड देन उसकी शाइनिंग देखें। अगर वो शाइनिंग उसकी चली जाती है, ब्लैक पड़ जाते हैं, देन नेवर यूज़ दैट मटेरियल, वो लोकल मटेरियल होगा। सो गाइस उस तरीके का मटेरियल आपको नहीं यूज़ करना जो कि मैंने कर लिया था एंड मुझे बहुत ही लिटरली आई वॉज़ फीलिंग वेरी वेरी बैड, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ड्रेस थी जो कि पूरी ख़राब हो गई थी, सारी शाइनिंग ही चली गई थी। सो गाइज दैट इज़ वाई हमारी अम्मी बोल रही थी रूबी तुम्हारे सूट को नज़र लग गई। सो गाइज यहाँ हमने ड्रेस को वॉश कर दिया एंड साथ में जो नेक लाइन में बीच में गैप छोड़ा था उसमें पिच कलर के क्रिस्टल्स की हमने एक एम्ब्रॉयडरी लाइन कर दी एंड वही सेम एम्ब्रॉयडरी नेक लाइन जो हमने नेक पर की थी वही हमने स्लीव्स पर भी दो दो लाइंस कर दी थी। सो गाइज वॉश होने के बाद यू कैन सी द क्लोज लुक, आप देख सकते हो कट बीट्स की शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई थी, कहीं कहीं पर ये कट बीट्स ब्लैक भी पड़ गए थे। सो गाइज इसी के साथ में हमने ये ट्राउज़र भी रेडी किया है, ट्राउज़र के वन साइड में हमने पॉकेट भी अटैच की है। सो गाइज ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो का लिंक आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेसिकली हमने सेकंड चैनल पर भी काफ़ी ज़्यादा कटिंग एंड स्टिचिंग ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो डाली हुई हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा। सो गाइज उसी के साथ में हमने ये ऑर्गेन्जा का ब्यूटीफुल सा दुपट्टा डिज़ाइन किया है। दुपट्टे के ऑल टू साइड्स में हमने टोटली हैंडवर्क किया है, आरी नीडल वर्क एंड दुपट्टे के ऑल फोर साइड्स में हमने ये ब्यूटीफुल सा कटवर्क डिज़ाइनिंग की है। सो गाइज सेम थिंग जो हमारे सूट के साथ हुई थी वही सेम चीज़ दुपट्टे के साथ हुई। सो जो मटेरियल हमने सूट में यूज़ किया था वही सेम मटेरियल हमने दुपट्टे में यूज़ किया था एंड वॉश होने के बाद गाइस दुपट्टे की भी शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा डल हो गई थी। आई वॉज़ फीलिंग रियली वेरी वेरी बैड, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था बिकॉज इसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी। बट कोई नहीं गाइस, जस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर दी बेस्ट, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मे बी मेरे साथ इसीलिए हुआ था बिकॉज इन फ्यूचर मैं आपको बता सकूँ, अगर आप इस तरीके की कोई भी ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप मटेरियल देख कर लें, बहुत अच्छी तरीके से मटेरियल को पहले देख लें तभी यूज़ करें। आई होप गाइज इस छोटी सी वीडियो में, छोटी नहीं गाइज काफ़ी बड़ी वीडियो, हमने अबाउट 70 मिनट की वीडियो को शॉर्ट करके यहाँ प्रेजेंट किया है। सो छोटी या बड़ी जैसी भी वीडियो, आई होप गाइज इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को इजीली एक्सप्लेन करते हुए वन बाय वन इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश की है। सो गाइज अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड गाइज इसी के साथ में अगर दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो भी चाहिए सो दुपट्टे के लिए भी प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट मी। नाउ गाइज इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वॉन्ट टू से टेक योर गुड केयर एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डू ओनली गुड थिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।